हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। देखिए, मैंने पहले आपको यूनिट स्पीड के बारे में भी पढ़ाया था, यूनिट पावर के बारे में भी पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो वहां पे हमने यूनिट स्पीड पढ़ा था। तो कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि यूनिट स्पीड अगर पढ़ रखा है तो स्पेसिफिक स्पीड क्यों पढ़ना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे, इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले समझ लें, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मे बी डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टर्बाइन आइडेंटिकल एज एक्चुअल टर्बाइन रिड्यूस्ड इन साइज व्हिच विल डेवलप वन यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड। अब इसका मतलब समझेंगे। देखिए, ये क्या कह रहा है कि स्पीड हमने चेक करनी है, स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टर्बाइन। तो इमेजिनरी टर्बाइन है, ठीक है, ये एक्चुअल टर्बाइन नहीं है। उसके जैसे ही हम सोचेंगे कि एक्चुअल में अगर मान लो साइज बहुत बड़ा है एक्चुअल में, तो हम उसके साइज को छोटा करेंगे, इतना छोटा करेंगे कि वो एक यूनिट पावर दे दे, एक यूनिट पावर दे दे और एक यूनिट हेड के अंडर काम कर रही हो, यूनिट हेड के अंडर काम करते हुए यूनिट पावर दे दे, तब स्पीड कितनी आए। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइज रिड्यूस कर दिया, छोटा बना दिया, इमेजिनरी चीज है ये, छोटा बना दिया। तो उस पे हमने क्या करना है, एक मीटर का हेड लेके एक यूनिट पावर डेवलप हो रही हो तब चेक करना है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो ये करना ही क्यों है, करना इसलिए है क्यों, हमने टर्बाइन को आपस में कंपेयर करना है कि कौन सी टर्बाइन कितनी स्पीड पे चलेगी। अब मैं कह रहा हूं कि मेरी टर्बाइन, मैं वैसे ही आम बात कर रहा हूं कि बहुत सारी टर्बाइन हैं अलग अलग दुनिया में। मैं आपके साथ खड़ा हो गया, मेरे पास मेरी जो कंपनी है वहां पे टर्बाइन है, तो मैं कहता हूं मेरी टर्बाइन यार 3000 RPM पे चलती है और इतनी यूनिट इतनी पावर देती है और इस वर्किंग हेड जो है इतना है। आप भी कहते हो कि ये मेरी जो टर्बाइन है वो इतने हेड पे चलती है, इतनी पावर देती है और इतनी उसमें RPM। तो आपस में कंपेरिजन कहां से हुआ, आपस में कंपेरिजन कैसे करें। तो हमें फिर से वही बात, सेम स्टेज पे आना पड़ेगा, सेम स्टैंडर्ड अपनाना पड़ेगा। आपस में अब लड़ाई होनी है। जैसे मैं सबसे ज्यादा अजीब सी बात जो लगती है ना, वो ये लगती है कि जैसे एग्जाम है, हम सबको एक ही तरह का एग्जाम दिया जाता है, हालांकि माइंड अलग अलग है। सब कहते हैं 40 बच्चे हैं, 40 का जो माइंड अलग अलग है, लेकिन एक ही चीज पर उनसे पूछी जाती है, सेम चीज पूछी जाती है, स्टैंडर्ड चेक करना है आपस में। ठीक है, तो हमें सेम पूछना है, तो सेम इसमें क्या है। ठीक है, सेम हमारे पास क्या करें, यूनिट पावर आए, यूनिट हेड है, तब स्पीड बताओ कितनी। तो तब आ गया, अच्छा अच्छा मेरे वाला जो एक बंदा मिला मेरे से, तो मैं कहूंगा यार मेरे वाला जो टर्बाइन है ना वो एक मीटर हेड और एक यूनिट पावर डेवलप करती है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो सिर्फ 20 RPM होती है। अच्छा, दूसरा कहता अच्छा अच्छा मेरी वाली जो टर्बाइन है वो एक यूनिट पावर डेवलप करती है, एक मीटर हेड के अंडर काम करती है, लेकिन स्पीड तो वो 50 की देती है। अच्छा, मतलब कंपैरिजन हो गया। तो स्पीड अलग अलग है उसकी टर्बाइन, तो इसी तरह जो टर्बाइन होती हैं वो अलग अलग स्पीड देती हैं अगर हम इसको कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक स्पीड हमारे पास अलग अलग होगी, किस तरह से है? कुछ मैं आपको वैल्यूज देता हूं जिससे आपका थोड़ी सी कंपैरिजन और ज्यादा हो जाएगा इसका, ताकि आपको समझ आ सके। तो हमारे पास जो इंपल्स टर्बाइन है, इंपल्स टर्बाइन है और पेल्टन व्हील है स्पेशली, अगर इंपल्स टर्बाइन में बात करूं तो वो पेल्टन व्हील की बात करूं तो पेल्टन टर्बाइन है, लेकिन उसमें जो नोजल है वो सिंगल नोजल है, अगर सिंगल नोजल हो उसमें तो ठीक है उस पर स्ट्राइक करने के लिए। तो इस तरह से अगर टर्बाइन हो हमारे पास तो उसकी जो स्पीड है वो सिर्फ बनती है 8 से 30, इतनी होती है। तो स्पेसिफिक स्पीड जो है, स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू जो आएगी वो इतनी आएगी, 8 से लेके 30 की रेंज रहेगी इसकी। लेकिन यही अगर पेल्टन टर्बाइन है, पेल्टन टर्बाइन है लेकिन उसमें जो नोजल है वो एक नहीं है, ज्यादा है, मल्टीपल नोजल है, ज्यादा नोजल लगी हुई है उस पे, जो पानी स्ट्राइक कर रहा है वो ज्यादा नोजल के थ्रू हम स्ट्राइक करा रहे हैं, तो उसकी स्पीड जो है, अब स्पेसिफिक स्पीड चेंज हो जाएगी, वो 30 से 50 की रेंज होगी उसकी। ठीक है, समझे? इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि मान लो कि हमारे पास फ्रांसिस टर्बाइन है, तो फ्रांसिस टर्बाइन,
तो उस केस में क्या होगा, फ्रांसिस टर्बाइन जो है वो स्पीड जो देगी वो 250 तक देती है, 50 से 250 तक, इतनी स्पेसिफिक स्पीड होगी। ठीक है, किस तरह से, एक मीटर हेड, मतलब एक यूनिट हेड, सही बोले तो एक यूनिट हेड, ठीक है, क्योंकि आपके पास यूनिट कोई भी हो सकता है, यूनिट हेड हो और यूनिट यूनिट ही पावर डेवलप करे, यूनिट पावर डेवलप करे, तब ये क्या है, इतनी आरपीएम पे चलेंगे। तो फ्रांसिस ये आ गई, और लास्ट है हमारे पास कैप्लान, कैप्लान टर्बाइन, इतनी ही हमारे पास देखो यूनिट हेड है, यूनिट पावर है, लेकिन कैप्लान की स्पीड बहुत ज्यादा है। कैप्लान की जो स्पेसिफिक स्पीड है वो 250 से 1000 तक जा सकती है, 1000 तक जा सकती है। तो इस तरह से स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन की जाती है। तो यूनिट स्पीड में हमने कुछ अलग देखा था, यूनिट स्पीड में हमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि एक यूनिट पावर वो डेवलप करे, हमने सिर्फ यूनिट पावर में ये देखना था कि हमारे पास जो एक मीटर हेड पे काम करे पावर वो प्रोड्यूस कितनी कर रही है उसकी तो बात ही नहीं की। ठीक है, यूनिट स्पीड में क्या बात की थी कि एक मीटर हेड पे काम करे, एक मीटर स्पेशल बोला, यहां मीटर नहीं बोला, यूनिट हेड बोला, यूनिट कितना भी मर्जी हो सकता, आपकी मर्जी है ना, यूनिट बोला है लेकिन उसकी यूनिट बताई नहीं है, और साथ में ये भी बोला कि यूनिट पावर भी डेवलप करे। ठीक है, तो यहां पे दो चीजों को लेके फिर स्पीड बताई है, लेकिन वहां पे यूनिट स्पीड में सिर्फ एक मीटर हेड की बात करी थी। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है। और अभी आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं आया, और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट, अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।